Assalamu alaikum. My name is Sehrish and I have 3 kids. My journey in life. Sehrish has been one of my oldest students, right? And she has been the one who made me stay and made me change the way I teach and why am I here. She made me realize, she gave me food for thought. She is one of the best teachers in my whole life. And she is my friend, she is my sister, my auntie, my mother. She is everything for me. And I was blank paper, but she colored me, colored in my life. And I was very uncomfortable feeling in the English class, but she, when she met me, I am very confident. She giving me confident mostly, and now I speak right or wrong anything, but I talk. जब मैं इनकी क्लास में आई थी तो मुझे केज के मीनिंग भी नहीं पता थी क्योंकि मैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी थी. तो फिर जब इन्होंने केज कहा था किसी सेंटेंस में तो मैं परेशान थी कि केज की मीनिंग क्या है. तो फिर मैंने किसी अपने फ्रेंड से ही पूछा तो वो मतलब मेरा मजाक उड़ाने लगी कि केज की मीनिंग आपको नहीं आती. तो फिर मैं मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी पीछे हूँ. और फिर मैंने मिस से कहा कि मिस मतलब मुझे आपकी क्लास में इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझ आती क्योंकि माशाल्लाह मिस बोलती रहती थी ना इंग्लिश और मुझे कुछ भी समझ नहीं, दो तीन वर्ड्स समझ आते थे, सेंटेंस पूरा करेक्टली समझ नहीं आता था. तो फिर मैंने मिस से कहा कि मिस मुझे किसी और क्लास में मतलब जाना है और आपकी माशाल्लाह से बहुत एडवांस क्लास है. तो मिस ने कहा नहीं नहीं मतलब शायद मिस ने कहा कि कमी मुझ में है कि मैं आपको सिखा नहीं पा रही हूँ. तो मैंने कहा नो मिस, आप बिल्कुल परफेक्ट है, मैं समझने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं एक कमज़ोर स्टूडेंट हूँ. लेकिन फिर भी मिस ने मुझे जाने नहीं दिया. मिस ने कहा नहीं, आप मेरी क्लास में रहें, अगर आप किसी और क्लास में भी जाना चाहती हैं आप ज़रूर जाएं, पर मेरी क्लास से आप मत जाइएगा. हम फिर उर्दू इंग्लिश मिक्स बोला करेंगे ताकि मतलब आपको भी मेरी बात समझ आए और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं भी समझ पाऊँ. तो शुरू में मैं बहुत वो होती थी ना, परेशान होती थी, कंफ्यूज होती थी. लेकिन जब मिस ने ये स्टार्ट किया कि उर्दू इंग्लिश मिक्स हो तो फिर मैं डरती नहीं थी, मैं हर बात कर देती थी. और इससे पहले मैं इतना अच्छी तरह मतलब लोगों के सामने ना बात नहीं कर पाती थी. लेकिन जब मैं मिस से मिली तो फिर मेरा फर्स्ट टॉक था और मॉम ने कहा था कि गेस्ट आ रहे हैं रोटरी क्लब वाले, आपको बात करनी होगी. तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बात की थी और मतलब मिस जैसे लोग मेरे ख्याल से बहुत कम हैं इस दुनिया में. अपने जर्नी के बारे में बता रही हूँ मिस के, हमने बचपन से मतलब जो अमीर लोग होते थे ना, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, ज्यादातर लियाली में तो मिडिल क्लास फैमिलीज ही हैं, इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है. तो हमने अपने मतलब लाइफ में यही देखा था, जो अमीर लोग होते हैं जो गाड़ियों से उतरते हैं वो गरीबों को हकारत की नज़र से देखते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत उनके अंदर नहीं है, एक गुरूर एक तकब्बुर है. लेकिन जब हम इस स्कूल में आए और मोम से हम मिले, मोम के ऐसे फ्रेंड्स से मिले जो इतने नायाब हैं, तो हमें पता चला नहीं प्यार इनके दिल में भी है, ये प्यार करते हैं. वो हमारा नज़रिया अलग था, ऐसे लोगों को देख कर हमारा नज़रिया चेंज हो गया था कि प्यार मोहब्बत शायद दुनिया में रही नहीं है और शायद गरीब गरीब का ही दोस्त है, पर नहीं अमीर गरीब के भी दोस्त बन सकते हैं. और जब मैं इस स्कूल में आई तो मुझे माशाल्लाह मतलब मैं बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे थे. फिर मैंने एक चीज़ देखी कि किरण के पेरेंट्स अलग हैं और डीसीटीओ के अलग हैं. तो मुझे बात समझ नहीं आ रही थी, मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ बच्चे बड़े स्कूलों में टेस्ट देने
जाते हैं, फिर वो क्लियर करते हैं, फिर वो मेन स्ट्रीम स्कूल चले जाते हैं, जैसे बहुत बड़े स्कूलों में जहाँ हम जैसे मतलब सादे लिबास लोग नहीं पढ़ा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ की फीसों को। तो फिर मैंने टेस्ट वगैरह दिलवाए, तो माशाल्लाह से मेरे बेटे मोहम्मद मारिज ने फर्स्ट क्लास में हबीब पब्लिक में जैसे उसने क्लियर किया टेस्ट अपना, और वो हबीब पब्लिक चला गया। और फिर एक साल उसने माशाल्लाह से पढ़ा, और फिर जैसे ही वो सेकंड में माशाल्लाह उसने स्टेप रखा, तो फिर मेरे दूसरे बेटा मोहम्मद अर्शमान, उसका भी एडमिशन हो गया हबीब पब्लिक में, दोनों बेटों का एक साथ। फिर मारिज को बस अचानक से तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, वोमिटिंग होने लगी स्कूल में, स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो फिर आस्ते आस्ते हमने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं समझते बीमारियों को, वो समझ रहे थे इसके पेट में कोई मसला है, और उसके पेट में मसला नहीं था, उसके मतलब ब्लड टेस्ट हो रहे थे, यूरिन टेस्ट, पाखाना टेस्ट, हर चीज के टेस्ट हो रहे थे, तो समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर हमने उसको एक ब्रेन के डॉक्टर को, यहीं पर डॉक्टर सुमरो है, मोहम्मद उमर सुमरो, उसको दिखाया, तो उसने कहा कि आपके बेटे को एपिलेप्सी हो गया है, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, मिर्गी के झटके हैं ये, आप इसके ब्रेन के कुछ टेस्ट करवा लें, जैसे कि MRI, EEG और ये सारे ब्रेन के अलग अलग किस्म के टेस्ट थे। वो जब मैंने करवाया तो फिर उसके रिपोर्ट में ये आया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। तो ब्रेन ट्यूमर का सुन के मैं भी थोड़ी परेशान हो गई, और फिर मैं फौरन हबीब पब्लिक भागी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो हबीब पब्लिक वाले भी थोड़े परेशान थे, पर उन्होंने कहा आप स्कूल से मत निकालें, हम इसे पढ़ाएंगे। तो वो मतलब आए दिन वो वोमिटिंग कर रहा था, जैसे झाग निकलता है मुँह से, अभी भी उसे फिट्स होते हैं, जैसे रात को नींद में सोते सोते भी उसे फिट्स होते हैं 3-4 बार। फिर मुझे लगा कि वो नहीं कोप कर पाएगा, मतलब हबीब पब्लिक में बहुत टफ पढ़ाई है, वो नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने, फिर मिस सामिया लोग ने, मोम ने, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसमें मैडम आपदा गरीब भी हैं, मिस सामिया हैं और मोम है। मैं जिस हॉस्पिटल में जाती थी ये लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहते थे, मिस सामिया पूछती थी, और मोम अगर यहाँ नहीं है, मोम कहीं बाहर गई हुई, तो ये लोग मेरे साथ हमेशा मतलब मेरे बैक पर खड़े थे। मैं अपनी अम्मी को नहीं बताती थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, पर मैं इस ग्रुप में बता के जाती थी, और ये लोग मुझसे आधे आधे घंटे में पूछते थे सेरिश क्या हुआ, सेरिश चेकअप हो गया बेटे का, सेरिश कैसी हो, सेरिश ठीक हो। और मिस सामिया तो मुझसे अलग से भी मुझसे बात करती थी, जैसे मुझसे पूछती थी कि सेरिश तुम ठीक हो, तुम घबराई तो नहीं हो, मतलब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, तुम बहुत बहादुर हो। तो मैं यही कहती थी नो मिस मैं बहादुर नहीं हूँ, पर यह है कि अल्लाह मेरे ख्याल से टेस्ट लेने के लिए ना अल्लाह इतनी ताकत दे देता है बंदे को कि इससे फिर टेस्ट लेना है हमें। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे हबीब पब्लिक से निकालना है बच्चों को, तो मैंने पहले बड़े बेटे को निकाल दिया और उसे मैं नहीं भेजती थी। तो जब छोटा बेटा जाता था ना उसी यूनिफॉर्म में, तो बड़ा बेटा रोता था कि मुझे स्विमिंग, मम्मा मम्मा फिर मैं स्विमिंग कैसे करूँगा, मतलब आपने तो मुझे स्कूल से निकाल दिया, मैं तो स्विमिंग के लिए खासतौर पर उस स्कूल गया था। तो फिर जैसे रोज़ाना मेरा बेटा छोटा जाता था और बड़ा बैठ के रोता था, तो मैं अब जाहिर सी बात है माँ हूँ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने छोटे बेटे को भी निकाल दिया। तो मोम ने कहा ये बहुत बड़ा फैसला है, तुम मेन स्ट्रीम स्कूल से निकाल रही हो जहाँ के लिए औरतें इतना भाग दौड़ करती हैं, इतने धक्के खाती हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे बच्चे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा बच्चा बहुत परेशान है, वो जानबूझकर मतलब नहीं है ना, उसके साथ हेल्थ इश्यू है इस वजह से। फिर मैं यहाँ से शिफ्ट होकर गाँव की तरफ चली गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिसहार्ट थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब क्यों हो रहा है इतना कुछ मेरे साथ। तो मैं यहाँ से गांव शिफ्ट हो गई, और एक महीने में मैं वहाँ पर इतनी मक्खियाँ होती थी और बिच्छू सांप के बच्चे मतलब निकल आते थे, तो और मेरे बच्चे बिच्छू पकड़ पकड़ के मुझे लाकर दिखाते थे, तो मैं बोलती थी नहीं ये तो काटते हैं, इसके पीछे के टेल बहुत मतलब वो डेंजर है, पर बच्चे नहीं समझते थे। मोहम्मद मारिज हाथों में चलाता था बिच्छू को, तो मैं और ज़्यादा मेरा दिमाग में झटके, फिर मैं ग्रुप में मतलब अलर्ट हुई कि मेरा सर में है ना बहुत दर्द रहता है, और मैं पूरा पूरा दिन सोई भी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे तो बहुत खुश हैं, बच्चे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, बच्चे हरियाली देख रहे हैं, बच्चे गायें बकरियों के बच्चों से खेल रहे हैं, पर मैं मतलब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मोम ने कहा कि आप एक MRI करवा लो, आप अपना भी एक MRI करवा लो, ये दिमाग सुन कब से हो रहा है। मैंने कहा ये तो 10-12 साल से हो रहा है, पर मैंने कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब MRI करवाया तो फिर मेरा भी कुछ आया मसला, मोम ने फौरन कॉल की, सेरिश तुम ठीक हो, तुम मतलब सब ठीक है। मैंने कहा यस मोम मैं ठीक हूँ, क्यों रिपोर्ट में कुछ आया है क्या।
कहा नहीं रिपोर्ट में कुछ नहीं, थोड़ा स्पेस आया है ब्रेन के अंदर. तो मैंने कहा अच्छा, तो मोम इससे मतलब कुछ होगा? तो मोम ने मुझे नहीं बताया, मोम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया. फिर मैं उसी डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे मेरे बेटे का इतना बड़ा झटका दिया था, तो पूरी ज़मीन मेरी हिल गई थी. तो मैं उसके पास गई, बहुत मैंने वेट किया. तो कहा नहीं आप सिर्फ रिपोर्ट दिखाने आई है ना, तो आपका लास्ट में नंबर आएगा. तो मैं बैठी रही, 5 बजे मेरी बारी आई. फिर मैं गई उनको दिखाने की, ये रिपोर्ट मैंने करवाई है अपने ब्रेन की, आप देखें इसमें क्या मसला है. उन्होंने ऐसे करके, अरे आपको भी ब्रेन ट्यूमर है? तो मैं बिल्कुल शॉक्ड कि ये क्या आप कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता. मतलब तो कहा नहीं आपका तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, आपका तो जेली वाला एक मेलिगेंटा पता नहीं क्या किस्म का नाम लिया कि गिंगलिया नाम दिया कि आपके ब्रेन ट्यूमर का नाम गिंगलिया है, वो जेली नुमा है और उसका जल्द से जल्द जैसे सर्जरी करवानी पड़ेगी वरना वो किसी वक्त भी फट सकता है और फिर आपकी याददाश्त चली जाएगी अगर वो फटता है तो. अगर आप सोती हो पूरा दिन आपका दिमाग सुन रहता है तो इस वजह से होता है. फिर मैं परेशान, मैंने फिर ग्रुप में बताया कि मुझे भी ब्रेन ट्यूमर है. तो उसने कॉल की, उसने बोला सेविश मतलब सब ठीक हो जाएगा, मतलब तसल्ली देने वाले वर्ड्स याद रहते हैं ना कि हम आपके साथ हैं और अल्लाह बहुत बेहतर करेगा, मतलब आप सर्जरी करवा लें. मैं परेशान कि मतलब क्या होगा अगर मुझे कुछ हो जाता है सर्जरी के दौरान. तो उन्होंने कहा नहीं आप परेशान नहीं हुए, जितने भी वो रिक्वायरमेंट्स हैं, 6 लाख का ऑपरेशन था और मेरे पास तो 5,000 भी नहीं थे. तो मैं एक दो रिश्तेदारों के पास भी गई कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे कैंसर है, मतलब फर्स्ट स्टेज कैंसर है और ये रिमूवल करवाना है. तो ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ के लिए हम लोग अपने घर की जमा पूंजी उठा के दे देंगे, ऐसे लोग नहीं है ज़्यादातर. पर मिस सामिया मैडम, आपदा गरीब और मोम, इन लोगों ने सबने मिलकर चैरिटीज़ की और इन लोगों ने मेरी सर्जरी करवाई और मेरी बेटी मेरे साथ थी हॉस्पिटल में, उसके साथ कनेक्टेड रहे कि मम्मा कैसी हैं. मम्मा और मेरी बहन भी थी महविश के साथ भी कनेक्ट थे कि मतलब इसका ख्याल रखना है. तो मुझे ये लगता है कि मतलब हमें हिम्मत करनी चाहिए ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से ज़्यादा हिम्मत मिली. जैसे ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, मतलब इनसे जितना आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो ना आप लोग उठा लो. क्योंकि मैं अगर क्लास में आती हूँ ना तो मेरा मतलब मैं हाजिर दिमाग नहीं होती हूँ, तो फिर मैं इस वजह से नहीं आ रही, वरना मेरा दिल बहुत होता है आने का क्योंकि इनसे मैं इतनी कनेक्टेड हूँ. तो इनको देखकर ही माशाल्लाह से एक वो हो जाता है ना, एनर्जी मिल जाती है घर के लिए. तो मैं जब भी इंग्लिश क्लास में आती थी बहुत हम लोग यहाँ पर तैयार होकर आते थे क्योंकि मिस कहते थे लिपस्टिक लगा कर आनी है, तैयार होकर आ रहे हैं, तो हमारे हस्बैंड बहुत खुश होते थे. और जब हम यहाँ से जाते थे हेलो डार्लिंग बोलते थे, ओहो हमारे हस्बैंड हैरान कि मिस ने क्या ऐसा पढ़ाया है जो इतना प्यार आ रहा है. तो मतलब एक अलग सी एनर्जी मिल जाती थी जिससे हमें फील होता था कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं. तो थैंक यू सो मच.